अब मैं अपने मित्र और राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू जी की पार्टी के माननीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव जी से कहूँगा कि वो भी आएँ और अपने विचार प्रकट करें। राष्ट्रीय कौमी एकता सम्मेलन में आए हुए सभी सम्मानित मेहमान, महामहिम आदरणीय श्री अमित हंसारी साहब जी और आज इस सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय देश के बड़े चोटी के नेता शरद यादव जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय गुलाम नबी साहब, एक्स सीएम हरीश साहब, माननीय सीताराम येचुरी साहब, मोहम्मद मदनी साहब, रोशन बेग साहब, आचार्य प्रमोद कृष्णा जी, शाहिद सिद्दीकी साहब, आदरणीय तारिक साहब, मंच पर बैठे हुए तमाम सम्मानित नेता और हॉल में आए हुए सभी उपस्थित साथियों, आज ऐसे मौके पर हम सभी उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू जी के पार्टी की ओर से मैं आपके बीच आया हूं। आज इस मुल्क के ताना बाना पर हमला हो रहा है। मुल्क के साझी विरासत जिसको आदरणीय शरद यादव जी ने हमेशा आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, अभी के माहौल में भी आज उस पर हमला हो रहा है। यह सर्वविदित है, अंग्रेजों को भारत से भगाने में, गोरी सल्तनत को हटाने में, इस मुल्क में आज़ादी की लड़ाई में जितना खून हिंदू भाइयों ने बहाया, उतना ही खून इस देश को आज़ाद करने में मुसलमान भाइयों ने बहाया, सिख भाइयों ने बहाया, ईसाई भाइयों ने बहाया। सबके खून से बना हुआ है हमारा चमन है, हमारा बगीचा है, बागमा है। इस बागमा को हम जो है एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए और इसकी एकता और मिल्लत जो हमारा गंगा जमुना की संस्कृति है, जो हमारा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सरमूं दे भगवान, जिस जो है हमारा जो इतिहास है, उस इतिहास पर अगर कोई जो है उंगली उठाता है, हमला करता है, चाहे नागपुर की शक्तियां हो या आरएसएस हो या बीजेपी हो या सत्ता में बैठे हुए ऐसे जो हुक्मरान हो, ऐसी शक्तियों से कौमी एकता और देश को, हर मुल्क के जो है शानदारों को लड़ने की जरूरत है और ऐसी शक्तियों को पछाड़ करके व्यक्ति पवेलियन करने की जरूरत है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपूत हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हम गांधीवादी हैं, हम कभी गोडसेवादी नहीं हो सकते हैं, हम तिरंगाधारी हैं, हम कभी भगवाधारी नहीं हो सकते हैं। आज के तारीख में जो है जो भगवाधारी ताकते हैं, चारों तरफ जो है जहर फैला रहा है, नफरत की आग फैला रहा है। यही लड़ाई हुआ था मंडल कमीशन के लिए, हाँ आदरणीय शरद यादव जी बैठे हुए हैं, वही लड़ाई लड़े थे। उस समय आदरणीय लालू जी को मंडल कमीशन लागू हुआ था, उस समय कमंडल चला था और कहा कमंडल चलेगा, यह हमारा असमेध का घोड़ा है, कोई माँ का लाल नहीं पकड़ सकता है। लेकिन बिहार का एक लाल मां बरछिया के कोख में पैदा लेने वाला उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री तत्कालीन लालू जी ने कहा कुर्सी को छोड़ सकते हैं लेकिन मुल्क के ताना बाना को नहीं छोड़ सकते हैं। और जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि जन्मभूमि पर लाल कृष्ण अडवाणी को पकड़ करके अगर मसान जोर में बंद करने वाला किसी एक पैदल का नाम है तो लालू जी का भाई दूसरे नाम में है। मैंने कहा हमें जो है हमें मुल्क की तबीयत को महफूज रखना है,
और आज जो है हमें स्वप्नजन को जिंदा रखना है, सबकी साथ सबकी विकास करता है, लेकिन आज विनाश की ओर जो है देश जा रहा है, विरासत पर हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है, SC ST OBC पर हमला हो रहा है, अकलियत पर हमला हो रहा है और नफरत फैलाया जा रहा है। आज जो है आसमान और कब्रिस्तान के राजनीति करते हैं, आज जो पैदा लिया है हिंदू या मुसलमान यहीं पर वो कब्रिस्तान में जाते हैं, यही आसमान में जाते हैं, लेकिन आप जो है आसमान कब्रिस्तान का जो है मॉब लिंच के झगड़ा करके जो है देश को बर्बाद करना चाहते हो। आइए हम एक होकर के ऐसी ताकतों को जो रेफल घोटाला बड़ा करते हैं, जो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, 2019 में हमें जो है इनको चढ़ने दीजिए बुलेट ट्रेन पर, हम जो है देशवासियों को बायलेट ट्रेन पर चढ़ करके BJP को हराना है, उसके शागिर्दों को हराना है। आज जो है बिहार की जनता ने जो है बिहार में किसे ताकत दिया था, शकुंजन को ताकत दिया, लेकिन जो है वोट लिया शकुंजन के नाम पर, साथ दिया सभी लोगों ने लालू जी ने, लेकिन जो है RSS के गोद में जो है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठ गया है। ये कहा करते थे मर जाएंगे मिट जाएंगे मिट्टी में मिट जाएंगे, लेकिन BJP के घर नहीं जाएंगे, और BJP के घर जाने वाला अगर एक कोई व्यक्ति जो है उसका नाम जो है श्री नीतीश कुमार है। ऐसी ताकतों को भी जो है हमें पहचानना है, हमें जो है सत्य को जानना है, हमें जो है ज्यादा कुछ कहना नहीं है। गंगा का सफाई करते करते बैंक को साफ करके नीरव मोदी चला गया, आज जो है आज क्या हो गया, और ये जो है संविधान बचाओ, बाबा साहब का अरमान बचाओ, अंबेडकर साहब का अरमान बचाओ, आज जो है ताना बाना बचाओ और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपना को बचाओ। आज हमें जो है इन चीजों को जो है आगे बढ़ाना है। ताना बाना आज जो है बिहार में लिखा जाता है लालू लीला, अरे लिखना है सृजन लीला लिखो, लिखना है अडवाणी लीला लिखो, लिखना है तो गोधरा लीला लिखो, जिसने समाज को दहशत फैलाने का काम किया है। आज हमें जो है एकता के सूत्र में बंध करके भाईचारा के साथ हमें जो है आगे बढ़ना है। आज जो है पार्लियामेंट खुलेगा, हर जो है नेता मांग करते हैं, हम लोग मांग करते हैं, आदि गुलाम नबी आजाद साहब बैठे हुए हैं, सर जी बैठे हुए हैं कि जातीय जनगणना कराओ, जिसका जो अधिकार दो, लेकिन आज जो है देश के ताना बाना पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, प्रेस पर हमला हो रहा है, लोगों को भयभीत किया जा रहा है, और जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, आज बेटी की अस्मत बचाओ, देश में बचाओ, बिहार में बचाओ। आज हमें जो है इन चीजों पर हमें जो है मन की बात बहुत कर दी है प्रधानमंत्री जी, कभी जो है देश की बात आपने नहीं किया, मुल्क की बात नहीं किया, ये अपेक्षा भी नहीं रखते हैं। तैयार हो जाइए कौमी एकता के सपने को साकार करने वाले, सद्भावना भाईचारा को लेकर चलने वाले, गांधी के सपनों को लेकर चलने वाले, संविधान को बचाने वाले, भाजपा भगाओ देश बचाओ के नारे को सफल करना है। इन्हीं शब्दों के साथ तारिक अनवर साहब ने जो आज एक बेहतर सम्मेलन किया है, मैंने जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, और नीचे बैठे हुए हैं आदरणीय जो है समाले नबी साहब, जिनके साथ हमें काम करने का मौका मिला, उन्हें भी याद करते हैं, और एक बार जो है कौमी एकता में हम सभी जो है सद्भाव के लिए, देश की एकता अखंडता भाईचारा के लिए हम जो है एकता के सूत्र में बनकर के आए हैं। इसी के साथ सबको आदाब करते हैं, सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं और नमस्कार करते हैं।